दिखाए दंगल थोड़ा काट के कैसे काट रहे आप। अरे अरे अरे, पानी नॉर्मल है, ठंडा ना गर्म, क्योंकि अभी धूप है तो नॉर्मल हो गया होगा इस वजह से। यहाँ पर राजधानी ट्रेन जो है आज से करीबन 10-15 साल पहले यहीं पे, मतलब ट्रेन आते आते यहाँ से बिल्कुल पलट गया, नहीं आ रहा है और आके ये यहाँ पे गांव में एंटर कर रहा है। हम जा रहे पकड़ने, देखिए हमसे पकड़ाता है या नहीं मछली। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माई चैनल। तो गाइज, आज मैं अपने गांव आ चुका हूँ, रफीगंज बिहार। तो मेरे विलेज में क्या है क्या नहीं है मुझे भी ठीक तरीक़े से याद नहीं, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी बचपन में आया था, और इतने बचपन में आया था, और ये आज का मेरा गाइड है। हेलो बोल दो। हेलो बोल, हेलो बोल। तो वो तो हेलो नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं है। जस्ट लुक एट दिस गाइस, आपको दिखता होगा वो, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको काट के वो ले जा रहा है, और इससे फिर चावल या फिर आटा बनेगा जो हम लोग खाते हैं। अभी जो यहाँ के मतलब जो खेती वगैरह करते हैं उन लोग से चल के हम लोग पूछेंगे कि कितना इन लोग का मेहनत लगता है। ऐसा झाड़ के बाद इन लोग उसको हाथ से उखाड़ उखाड़ कर ऐसा बनाते हैं। भाई ये जो धान है आप लोग को कितना महीना लगता है, मतलब इतना बड़ा बड़ा होने में? 6-3 महीना। तीन मह 4 महीना। 4 महीना लगता है, और शुरुआत में तो आप लोग काफ़ी मेहनत भी लगता होगा। और अभी आप लोग इसको कहाँ ले जा रहे हैं? मानेंगे खरिहान में ले जाएंगे, खरिहान में लेकर मशीन से दमाएगा। खरिहान में ले जाके मशीन से इसको निकाला जाएगा धान को, और धान निकाल के फिर क्या मिलेगा? चावल। चावल। तो मतलब आप लोग 4 महीना का मेहनत के बाद इसको हाथ से उखाड़ ले या फिर मशीन से काट रहे? हसुआ से। हसुआ से। हसुआ से। हसुआ मतलब ये वाला? हाँ, ये वाला। ये वाला हसुआ हो गया। हाँ। इससे उखाड़ के फिर सर में ढोके लेके आइएगा या फिर गाड़ी वाली है ना, सब सर पर। देखिए आंटी का भी मेहनत देखिए, मतलब अच्छा अच्छा बिल्डर लोग से ये काम नहीं होगा, लेकिन आंटी ये काम आराम से कर ले रही है। तो गाइस हेलो बोल दिया भाई, हेलो हेलो बोल दिया आंटी। हेलो। आंटी का गिर गया। चलिए थैंक यू आंटी। बंदर का कोई जानवर सांप वगैरह अगर निकल जाता होगा वो सब भाग जाता है सब। हाँ। आप लोग आपसे डरता है ना? हाँ। आप लोग नहीं डरते ना? दिखाए दंगल थोड़ा काट के कैसे काट रहे आप। अरे अरे अरे, मशीन से भी तेज काट ले रहे हैं अंकल। कैमरा आंटी, कैमरा है। बोले ना आप लोग को, आदमी मतलब सोच रहा है कि पागल है, मतलब कैमरा से बात कर रहे हैं। लेडीज भी यहाँ पे काम कर रही है, मतलब इट्स नॉट लाइक ऑफिस वर्क दैट यू आर सेटिंग इन ऑफिस एंड हैविंग एयर कंडीशनर ऑन टॉप ऑफ यू। यहाँ पे आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग को मतलब से ब्रेड बटर, मतलब डेली लाइफ स्टाइल आप गुजार सकते हैं। तो गाइस मैंने तो आपको खेत दिखा दिया, लेकिन अब नदी की बारी, और चल के रिवर को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं आप लोग को और करीब चल के दिखाता हूँ। बच्चा लोग है यहाँ पे, स्कूल जा रहे हैं। देखिए पानी कैसा है, पानी नॉर्मल है, ठंडा ना गर्म, क्योंकि अभी धूप है तो नॉर्मल हो गया होगा इस वजह से। कहाँ जा रहा हो तुम लोग? कहाँ जा रहा? स्कूल? नहीं, स्कूल से जा रहे घर। स्कूल खुला हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, वहाँ। तो स्कूल खुला हुआ है तुम लोग? हाँ। का कब से खुला? 2 महीना हो गया। और तुम कहाँ जा रही हो बाबू? लड़का है या लड़की? नहीं है, लड़का है। तो इतना बाल बढ़ाया हुआ है? ऑल राइट गाइज, तो गाइज आप लोग ये जो मेरे पीछे जगह देख रहे हैं, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जो बहुत सारे लोग जिससे वाकिफ होंगे। यहाँ पर राजधानी ट्रेन जो है
आज से करीबन 10-15 साल पहले यहीं पे मतलब ट्रेन आते आते यहाँ से बिल्कुल पलट गया। तो ये इंसिडेंस तो काफ़ी लोग को याद होगा, और ये यहीं हुआ था रफ़ीगंज बिहार में। तो ये वो ब्रिज है जहाँ से पलटा था। आप लोग चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं वो कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ था गाइस। तो अभी फ़िलहाल तो गाइस हम लोग को रिवर एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ से रिवर का भी व्यू काफ़ी अच्छा आता है। ये आप लोग को करीब में लेके चल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये वहाँ दूर से पानी आ रहा है और आके ये यहाँ पे गांव में एंटर कर रहा है। मतलब आप लोग स्पीड देख रहे हैं कितना ही स्पीड है। और अगर गाइस यहाँ पे ज़रा सा भी पिसलेंगे तो सीधा पानी के अंदर। और गाइस मतलब नदी गांव का मतलब यहाँ के लिए स्विमिंग पूल है। ये हम लोग के लिए जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे यहाँ के लिए ये स्विमिंग पूल है। देखिए मतलब कितना इन लोग एंजॉय कर रहे हैं। जस्ट गाइस लुक एट दिस। एक भी मछली फंसा भाई? केड़ो फंसा? कितना देर में पकड़ाएगा भाई? एक तो हम पकड़े भाई, पकड़ाएगा हमसे। हम जा रहे पकड़ने, देखिए हमसे पकड़ाता है या नहीं मछली। इसमें कुछ रहेगा नहीं बच्चा? वो है इसमें है। अच्छा, है तो हाँ लगाया। अच्छा करना है? नहीं ऐसा ही डालो ना ऐसे। अच्छा चुपचाप से बैठना है, कोई आवाज़ नहीं करना। थोड़ा बंसी नीचे, ये लकड़ी नीचे कर। पकड़ाया पकड़ाया 15 मिनट का मेहनत के बाद पकड़ाया। ये सब आपका गायब एंगल? कहाँ ले जा रहे हैं इन लोग को? घुमाते हैं, फिर घुमाने के बाद घर ले जाएंगे। सब दूध देती है? 3 ठो दूध देती है। और सब बैल है ना? तो गाभिन दुआ है। अच्छा, मतलब दूध देने के लिए ही आप पालते हैं सबको? हाँ। और दूध बेचते हैं आप? हाँ। अच्छा, फिर यही आपका काम है? बस यही खेती और कुछ ना है। और खेती वगैरह रोजगार ना है तो क्या करें, दूध बेचते हैं। दूध बेचते और उसी से आपका चलता है। तो एक दिन में आपका कितना लीटर दूध निकल जाता होगा सब गाय से? करीब 500 रुपया का रोज हो जाता है। 500 रुपया का जी? हाँ रोज हो जाता है। आपसे मिलिए, बहुत खुशी हो। कहाँ मकान है बाबू? हेलो बोल दीजिए। हेलो ऐसी करिए। अच्छा हेलो गाइस, अंकल का मुस्कान देख के आप लोग सब्सक्राइब बटन को हिट कर दो। तो गाइस खेत दिखा दिए आपको, नदी दिखा दी अब आपको, और तो मेरे ध्यान में कुछ दिखाना बाकी नहीं रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ हम भी जाएंगे वहाँ वहाँ आपको भी घुमाने लेते चलेंगे। तो चलिए चलते। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई साउंड नहीं, खुला खुला मैदान और उसमें खुला खुला हवा। मतलब इतना फ्रेश एयर यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे तो सिटीज़ वगैरह में आपको इतना पोल्यूशन है, ये है वो है, साउंड पोल्यूशन है। लेकिन यहाँ गाइस आप मतलब व्यू देखो गाइस, मतलब जस्ट लुक एट दिस गाइस, जन्नत जन्नत। ये यहाँ का लोकल मार्केट, यहाँ भी गई मतलब अच्छा खासा भीड़ है। तो भाई यहाँ पे एक मिठाई का नॉर्मल दुकान है, तो अभी वहाँ चल के हम लोग कुछ खा ले रहे हैं। भाई 2 समोसा दे दीजिएगा और मिठाई वगैरह दे दीजिए, ठीक है? तो भाई खाना भी तो ज़रूरी है, थोड़ा पानी दे दीजिएगा ना भाई पीने वाला। बचपन में गई हम लोग बहुत पड़े कच्चा हाउस पक्का हाउस, तो ये रहा गाइस कच्चा हाउस। गाइस गांव वगैरह में आपको नॉर्मली मतलब ये मिट्टी वगैरह का घर आपको नॉर्मली कहीं पे भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पुराना पुराना घर है जो मिट्टी वगैरह से बना हुआ है। तो गाइस ये फिर से देखिए कच्चा हाउस।
ये घर मतलब पूरा मिट्टी से बनता है और बारिश वगैरह में मतलब बहुत प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन ये घर बिल्कुल मिट्टी से बनता है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है विलेज वगैरह में भी, तो वैसे वैसे यहाँ पे भी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके ठीक बगल में आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी का घर। तो गाइस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी डेवलप्ड हो जाएगा। तो गाइस आस्ते आस्ते मतलब विलेज वगैरह भी डेवलप्ड हो रहा है, और काफ़ी सारे चेंजेस मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं जब बचपन में यहाँ पे आता था तो सब जगह मतलब मिट्टी का घर रहता था, और ये सब जो बिल्डिंग्स वगैरह आप पीछे देख रहे हैं ये नहीं था। लेकिन इतने साल बाद मैं खुद आके देखा यहाँ पे, तो मतलब ड्रास्टिक चेंज आया। अगर आप अकेले आएंगे तो आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आपको रास्ता पता रहा भी, क्योंकि सब चीज़ डेवलप्ड हो गया, काफ़ी सारा चीज़ चेंज हो गया है। और गाइस ये रहा मेरा छोटा सा घर, अभी आप लोग को अंदर चल के दिखाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर, आइए। तो ये रहा हम लोग का एंट्रेंस, और ये आ गए अंदर, और आइए चल के आप लोग को छत्ता ले चलते हैं। ये आ गए हम लोग टेरेस पे, रूफ टॉप। ये क्या है? गुल भूसा। इससे क्या होता है? ये खाला बनता। अच्छा, क्या इस्तेमाल में आता है जलाने का? ये रहेगा कोयला, कोयला। और ये ऊपर का रूम है, यहाँ पे आपका चावल वगैरह रखाते हैं। ये रहा बड़ा सा एक सीढ़ी, यहाँ पे भी आपका चावल वगैरह रखाते हैं। और पूरा पीछे तक आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा पीछे तक है ये जगह का घर का बैक साइड का एरिया, ये है। यहाँ पे ऐसा रहता है, और वहाँ पे थोड़ा टूट गया है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है उतना खास। और ये है आपका पपीता का पेड़, जिसे बचपन में हम लोग बहुत सारा पपीता खाए हैं। तो गाइस ये था मेरा गाँव का जर्नी, और मैं जहाँ जहाँ गया, जहाँ भी गया, वहाँ तक आप लोग को दिखाने का कोशिश किया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।